Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. हेलो व्यूअर्स, आज हम एनालाइज करेंगे कैम्ब्रिज बुक थर्ड की रीडिंग फोर्थ का थर्ड पैसेज, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 28, द एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइंड टू. एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था. ए, एस्टेब्लिश वेदर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी शुड बी सॉट एट एनी कॉस्ट. ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए किसी भी कीमत पर. बी, शो दैट फोर डिविजन्स कुड यूज द सेम टेक्नोलॉजी. ये शो करने के लिए कि जो चारों डिविजन्स हैं वो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर सकती थी. सी, परफेक्ट अ सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग अकाउंट्स. एक सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए जो कि अकाउंट्स को प्रोसेस कर सके. एक्सप्लॉयट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट्स. कंपनी के ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने के लिए ताकि प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके. इसका आंसर जो है वो पैसेज के फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में है. इनको पढ़ते हैं. देयर्स अ क्लियर कट एविडेंस दैट For a period of at least 1 year, supervision which increases the direct pressure for productivity can achieve significant increases in production. However, such short-term increases are obtained only at a substantial and serious cost to the organization. इसका मतलब ये है कि एक क्लियर कट एविडेंस है कि अगर आप सुपरविजन को कम से कम 1 साल के लिए बढ़ाते हैं तो उसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और ये जो प्रोडक्टिविटी है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती है. प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम सुपरविजन बढ़ाते हैं. लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में लिखा है हाउएवर. हाउएवर का मतलब है जबकि. जबकि ये जो शॉर्ट टर्म इंक्रीज हुआ है प्रोडक्टिविटी में, ये हमें मिलता है बहुत ही सब्सटेंशियल और सीरियस कॉस्ट के ऊपर. बहुत ही सब्सटेंशियल मीन्स बहुत ही ज़्यादा और भारी कीमत के ऊपर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को होती है. इससे आगे राइटर लिखता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन अ मैनेजर मेक एन इम्प्रेसिव अर्निंग रिकॉर्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 to 3 years बाय एक्सप्लॉइटिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इन हिज प्लांट और डिविजन. यहाँ पर एक्चुअली एक क्वेश्चन पुट किया गया है राइटर के द्वारा. क्वेश्चन ये है कि जो एक कंपनी होती है वो अपने किसी भी प्लांट या डिवीजन में ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करती है, तो जो एक मैनेजर है वो किस हद तक उस इन्वेस्टमेंट को जो कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में की गई है कंपनी के द्वारा, किस हद तक एक मैनेजर उसको यूज करके इम्प्रेसिव अर्निंग रिकॉर्ड्स बना सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है शॉर्ट पीरियड में जो कि हो सकता है 1 से 3 साल का. एंड टू व्हाट एक्सटेंट विल द क्वालिटी ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन सफर इफ ही डज सो. और अगर वो ऐसा करता है तो किस हद तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है उस पर असर पड़ेगा. द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च डिजाइन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जो कंडक्ट की थी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च ने, और इस स्टडी में से जो आंसर्स निकल के आए हैं वो आगे आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब किए गए हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि सुपरविजन अगर बढ़ाई जाती है तो उसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है और इसके लिए कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को एक सीरियस कॉस्ट अदा करनी होती है. और दूसरे पैसेज में क्वेश्चंस खड़े किए गए हैं कि अगर एक मैनेजर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट को जो उसने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में की है, अगर उसको एक्सप्लॉइट करता है तो ये किस हद तक कंपनी के लिए ठीक होगा. तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो पैसेज का राइटर है उसने हमें ये क्वेश्चन पुट किया है कि अगर एक कंपनी का कोई जो मैनेजर है
अगर वो सुपरविजन बढ़ाता है तो उसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन इससे जो कंपनी है उसको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कुल मिलाकर इन दोनों पैसेजेस का मीनिंग है। तो यहाँ से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो 28th क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन ए है। द एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन टू एस्टेब्लिश, एक्सपेरिमेंट बनाया गया था ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए हमें किसी भी कॉस्ट पर। अपने तसल्ली के लिए अब हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी लगाकर देख लेते हैं। जो भी ऑप्शन है दैट इज शो दैट फोर डिविजन्स कुड यूज द सेम टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों पैराग्राफ्स में कहीं पर भी फोर डिविजन्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इज परफेक्ट ए सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग अकाउंट्स। तो इन दोनों पैराग्राफ्स में कहीं पर भी अकाउंट्स को प्रोसेस करने की बात नहीं हुई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम डी ऑप्शन चूज करते हैं तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो इसलिए किया गया था ताकि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट किया जा सके, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो स्टडी है, ये इसलिए की गई थी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर हम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करें तो ये ठीक होगा कि नहीं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29th। द क्वेश्चन इज द फोर डिविजन्स, ऑप्शन ए, ईच एम्प्लॉयड इज स्टाफ ऑफ 500 क्लर्क्स। इसका मतलब ये बनेगा कि जो चारों डिविजन्स थी उनमें हरेक में 500 क्लर्क का स्टाफ रखा गया था। ऑप्शन बी, ईच हैड इक्वल लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो चारों डिविजन्स थी उनमें से हरेक डिविजन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो एक ही लेवल की थी। सी हैड आइडेंटिकल पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि चारों डिविजन्स में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका पैटर्न जो था वो सेम था। डी वर रैंडमली चोजन फॉर द एक्सपेरिमेंट। जो चारों डिविजन्स थी वो रैंडमली यानी कि बिना किसी तरकीब के चूज की गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए। टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है द स्टडी कवर्ड 500 क्लरिकल एम्प्लॉयज इन फोर पैरेलल डिविजन्स, यानी कि चारों पैरेलल डिविजन्स में कुल मिलाकर इन टोटल 500 क्लरिकल एम्प्लॉयज कवर किए गए थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा है ईच एम्प्लॉयड ए स्टाफ ऑफ 500 क्लर्क्स। इसका मतलब ये है कि जो चारों पैरेलल डिविजन्स थी उनमें से हरेक डिविजन में 500-500 जो एम्प्लॉयज थे। तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक नहीं हुई, ये मैच नहीं हुई, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इससे आगे लिखा है ईच डिविजन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे। जो चारों डिविजन्स थी उनमें से हर एक डिविजन को एक समान तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारी सी ऑप्शन के साथ मैच करता है, जो कह रही हैड आइडेंटिकल पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो चारों डिविजन्स थी उनमें जो पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो आइडेंटिकल यानी कि समान था। तो 29th का आंसर हुआ सी। और एक बार ये देख लीजिए कि जो बी ऑप्शन है वहां पर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, जिसकी बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुई है। और जो डी ऑप्शन है वहां पर रैंडमली चूज करने की बात हुई है, वो भी यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर इसका श्योर शॉट हमारा सी ही है। क्वेश्चन नंबर 30। बिफोर द एक्सपेरिमेंट द फोर डिविजन्स वर केयरफुली सिलेक्टेड टू सूट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। यानी कि एक्सपेरिमेंट से पहले जो चारों डिविजन्स थी उनको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट किया गया था किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सूट करने के लिए। ऑप्शन बी, ईच डिविजन वॉज टोल्ड टू रिड्यूस इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हर डिविजन को कहा गया था अपनी प्रोडक्टिविटी के लेवल को कम करने के लिए। सी
The staff involved spent a number of months preparing for the study. इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो इस एक्सपेरिमेंट में स्टाफ इन्वॉल्व था उन्होंने कुछ महीने बिताए थे स्टडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए. डी द एम्प्लॉयज वर क्वेश्चन्ड अबाउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स द स्टडी. एक्सपेरिमेंट से पहले एम्प्लॉयज से उनके स्टडी के प्रति क्या फीलिंग्स हैं ये पूछा गया था. चलते हैं टेक्स्ट की तरफ. यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है द एक्सपेरिमेंट एट द क्लैरिकल लेवल लास्टेड फॉर वन ईयर. ये जो एक्सपेरिमेंट था जो क्लैरिकल लेवल पर हुआ था ये एक साल तक चला. बिफोर हैंड सेवरल मंथ्स वर डिवोटेड टू प्लानिंग एंड देयर वॉज ऑल्सो अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 months. तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले बहुत सारे जो मंथ्स थे वो प्लानिंग को डिवोट किए गए थे और वहाँ पर एक ट्रेनिंग पीरियड भी था एम्प्लॉयज के लिए जो लगभग 6 महीने चला. यही सेम बात जो है हमारी ऑप्शन सी में कही गई है कि स्टाफ ने जो है कुछ मंथ स्पेंड किए थे स्टडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए. यहाँ पर भी उन्होंने यही लिखा है कि जो स्टाफ है उसने 6 months का टाइम अप्रॉक्सीमेटली लिया था ट्रेनिंग पीरियड के लिए. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सी है. जो ये ब्लू सेंटेंस है वहाँ पे लिखा गया है द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजरी स्टाफ टूवर्ड्स देयर वर्क वर मेजर्ड. उनका जो एटीट्यूड था वो किस चीज़ के लिए मेजर किया गया था उनके वर्क को लेकर. लेकिन जो ऑप्शन डी है वो कह रही है कि एम्प्लॉयज से क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी फीलिंग्स को लेकर जो स्टडी की तरफ हों. तो ये दोनों जो हमारी ऑप्शंस हैं ये सेम नहीं है. जो टेक्स्ट है वो कह रहा है कि जो एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज या सुपरवाइजरी स्टाफ था वो उनके काम के प्रति उनका एटीट्यूड पूछ रहा था. लेकिन ऑप्शन कह रही है कि वो स्टडी की तरफ उनकी फीलिंग्स पूछ रहा था. तो डी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती है. और जो बी ऑप्शन है वहाँ पर लिखा है कि उनको बोला गया था टू रिड्यूस इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि द प्रोडक्टिविटी वॉज मेजर्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल जो प्रोडक्टिविटी है वो मेजर की गई थी. रिड्यूस करने की बात यहाँ पर नहीं हुई है. तो बी और डी हमारी ऑप्शंस नहीं हो सकती. इसलिए हमारा 30th का आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 31 to 36 जो हैं हमारे कंप्लीट द समरी वाले क्वेश्चंस हैं, गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस हैं. और इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें वन वर्ड लिखना है आंसर में. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 4 divisions. इस एक्सपेरिमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन ली गई थी जिसकी 4 divisions थी विच वर डिवाइडेड इंटू 2 programs. और उन 4 divisions को 2 programs में डिवाइड किया गया था. एक था द हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम और दूसरा था द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम. फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year ए डिफरेंट मेथड ऑफ डैश वॉज यूज इन ईच प्रोग्राम. एक साल के पीरियड के लिए दोनों प्रोग्राम्स में एक डिफरेंट मेथड ऑफ डैश यूज हुआ था. अब हमने ढूंढना है वो किस चीज़ का डिफरेंट मेथड यूज हुआ था दोनों प्रोग्राम्स में. यहाँ पढ़िए, नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू प्लेस ए डिवीजन इन द प्रोग्राम दैट वुड बेस्ट फिट इट्स हैबिचुअल मेथड्स ऑफ सुपरविजन यूज्ड बाय द मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर्स सुपरवाइजर्स एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स. इसका मतलब ये है कि किसी भी डिवीजन को उस प्रोग्राम में डालने की कोशिश नहीं की गई जिसमें जो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या असिस्टेंट सुपरवाइजर्स अपने हैबिचुअल मेथड ऑफ सुपरविजन यानी कि अपने पुराने जो वो आमतौर पर करते ही हैं उन मेथड्स ऑफ सुपरविजन को यूज़ करते थे. यहाँ पर बात हुई है हैबिचुअल मेथड्स ऑफ सुपरविजन की. हैबिचुअल मेथड्स ऑफ सुपरविजन मीन्स जो मेथड्स आमतौर पर यूज़ किए जाते होंगे. और यहाँ पर लिखा है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि किसी भी डिवीजन को इस तरह के प्रोग्राम में डाला जाए जहाँ पर पुराने मेथड यूज़ होते हों सुपरविजन के. क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ डैश, डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए डैश के. और यहाँ पर लिखा है
सेम मेथड नहीं यूज किए गए डैश के, तो यहाँ पर हमारा आंसर फिर क्या आना चाहिए, सुपरविजन। यहाँ से हम उठा रहे हैं कि सेम मेथड नहीं यूज किए गए सुपरविजन के, और वहां पर लिखा है डिफरेंट मेथड यूज किए गए, वहां पर आएगा सुपरविजन के, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सुपरविजन, क्योंकि उन्हें उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि वन वर्ड आंसर होना चाहिए और ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड ऑफ लिखा हुआ है, तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे सुपरविजन। अब ये ग्रीन सेंटेंस भी पढ़कर देखिए, यहाँ पर लिखा है इन टू डिविजन्स, दोनों डिविजन्स में एन अटेम्प्ट वॉज मेड, एक कोशिश की गई थी, क्या कोशिश की गई थी, टू चेंज द सुपरविजन, सुपरविजन चेंज करने की, और क्वेश्चन में भी लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ डैश, तो कौन सी चीज चेंज हो रही है, कौन सी चीज का डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है, सुपरविजन का। तो अगर आप यहां से भी पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर सुपरविजन ही मिलेगा। अब ये ब्लू लाइन भी आप पढ़ के देख लें, यहाँ पर लिखा है इन द अदर टू डिविजन्स बाय कंट्रास्ट द प्रोग्राम कॉल्ड फॉर मॉडिफाइंग द सुपरविजन, यहाँ पर कौन सी चीज मॉडिफाई हो रही है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, सुपरविजन। तो यहां से भी अगर आप आंसर निकालें तो सुपरविजन ही निकलेगा। अब आप ये पिंक वाला सेंटेंस पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है इन एडिशन, जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसके एडिशन में, ऊपर बात हुई थी सुपरविजन की, अब कह रहा है उसके अलावा जो मैनेजर्स थे, असिस्टेंट मैनेजर्स थे, सुपरवाइजर्स थे और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे दोनों डिवीजन के, उनको ट्रेन किया गया था किसमें, इन ग्रुप मेथड्स ऑफ लीडरशिप, मतलब सुपरविजन के अलावा उनको ट्रेन किसमें किया गया था, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लीडरशिप, ग्रुप मेथड्स ऑफ लीडरशिप में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, यहाँ से लीडरशिप भी निकल सकता है, आप सुपरविजन भी लिख सकते हैं, आप लीडरशिप भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही लिख सकते हैं क्योंकि वन वर्ड आंसर हमने देना है। कहानी लेकिन अभी इसकी खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ पर लिखा है रेड सेंटेंस देखिए, दीज चेंजेस, कौन से चेंजेस, जो ऊपर हमने सुपरविजन में मॉडिफिकेशन की है उन चेंजेस की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जो चेंजेस थे ये एकम्प्लिश कैसे किए गए, ये किए गए बाय अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच लगाकर, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोच लगाई है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर मैनेजमेंट भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मेथड चेंज हो रहा है मैनेजमेंट का। तो जो हमारा 31st क्वेश्चन है उसमें आप लीडरशिप भी लिख सकते हैं और आप सुपरविजन भी लिख सकते हैं या आप मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही लिख सकते हैं क्योंकि आंसर हमारा वन वर्ड का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, थ्रू आउट दिस टाइम डैश वॉज कैलकुलेटेड ऑन अ वीकली बेसिस, अब हमने देखना है कौन सी चीज थी जिसको वीकली बेसिस पर कैलकुलेट किया गया। यहां पर देखिए लिखा है प्रोडक्टिविटी वॉज मेजर्ड कंटिन्यूसली एंड कंप्यूटेड वीकली थ्रू आउट द ईयर, प्रोडक्टिविटी को लगातार मेजर किया गया हर हफ्ते पूरे साल के लिए, तो कौन सी चीज यहाँ पर मेजर की गई है हर हफ्ते, प्रोडक्टिविटी, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 33, इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम सुपरविजन ऑफ ऑल वर्कर्स वॉज, पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम में सारे वर्कर्स की सुपरविजन को क्या हुआ, ये हमने ढूंढना है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इन टू डिविजन्स यानी कि हायरार्कल और पार्टिसिपेटिव दोनों में एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू चेंज द सुपरविजन, दोनों ही डिविजन्स में सुपरविजन को बदलने की कोशिश की गई, सो दैट द डिसीजन लेवल्स वर पुश्ड डाउन, ताकि जो डिसीजन लेवल्स हैं वो हायरार्की में और नीचे पुश किए जा सकें और डिटेल्ड सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स रिड्यूस्ड, जो वर्कर्स की बहुत ही स्ट्रिक्टली डिटेल में सुपरविजन होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो
जो स्ट्रिक्ट वाली सुपरविजन है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की बात हो रही है, और नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है कि मोर जनरल सुपरविजन, जो आम सी सुपरविजन होती है जो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो सुपरविजन को एक्चुअली में किया क्या गया है, रिड्यूस किया गया है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आएगा रिड्यूस्ड। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर आप आंसर में चेंज्ड नहीं लिख सकते, सुपरविजन चेंज तो हो रही है लेकिन स्पेसिफिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर हम चेंज्ड लिखेंगे तो वहां से हमें धुंधला सा आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा कि बढ़ी है कि कम हुई है। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि चेंज होने के बाद क्या हुई है, रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 34th, इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम सुपरवाइजरी स्टाफ वर गिवन ट्रेनिंग इन डैश। अब ये जो पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम है उसमें सुपरवाइजरी स्टाफ को कौन सी या किस चीज में ट्रेनिंग दी गई वो हमने ढूंढना है। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर दोनों डिविजन्स की बात हो रही है, हायरार्कियल और पार्टिसिपेटिव दोनों की। यहाँ पर लिखा है इन एडिशन द मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स of these two divisions were trained in group methods of leadership। यहाँ पर ये जो पूरा supervisory staff है इसको किस चीज में training दी गई है, leadership में। तो हमारा answer यहाँ पर आएगा leadership। Question number 35th, in the hierarchically controlled program work groups were found to be dashed by 30%। जो हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम था उसमें जो वर्क ग्रुप्स थे वो 30% के द्वारा क्या पाए गए, उनमें 30% क्या मिला उनमें। यहाँ पर पढ़िए, हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम के नीचे लिखा है दिस शोड दैट दीज डिविजन्स वर ओवर स्टाफ्ड बाय अबाउट 30%। यहाँ क्या पाया गया, इसने क्या शो किया कि ये जो डिविजन्स थी ये 30% ओवर स्टाफ्ड थी, मतलब कि ये यहाँ पर जो 30% स्टाफ था वो ज़रूरत से ज़्यादा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दे वर फाउंड टू बी ओवर स्टाफ्ड बाय 30%। तो यहाँ पर वन वर्ड आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे ओवर स्टाफ्ड। क्वेश्चन नंबर 36, इन द हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम द वर्क फोर्स वॉज डैश बाय 25%। हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम में वर्क फोर्स को 25% से क्या किया गया, ये ढूंढना है अब हमें। देखिए, हायरार्किकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम के नीचे ही लिखा गया है कि द जनरल मैनेजर देन ऑर्डर्ड द मैनेजर्स ऑफ दीज टू डिविजन्स टू कट स्टाफ बाय 25%। जनरल मैनेजर्स ने मैनेजर्स को ऑर्डर दिया कि जो अपना स्टाफ है उसको 25% कम किया जाए। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क फोर्स को 25% से क्या किया गया। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि कट किया जाए स्टाफ को 25% से। तो हमारा जो 36th में आंसर आएगा वो आएगा कट। क्वेश्चन नंबर 37th to 40 के लिए हमें ये जो ऑप्शंस दी गई हैं ए टू आई, इनमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 37th का आंसर ढूंढने के लिए आइए पढ़ते हैं हम फिगर 1। जहां जहां पर मैंने येलो से हाईलाइट किया है फिगर 1 के अंडर, वहां पर चेंज इन प्रोडक्टिविटी की बात हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है रिफ्लेक्ट द चेंज इन प्रोडक्टिविटी, उसके नीचे लिखा है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बाय अबाउट 25%। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ी, उसके नीचे लिखा है प्रोड्यूस्ड अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की बात हुई है। उसके बाद नीचे लिखा है कि ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ 20%, यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी के 20% बढ़ने की बात हुई है। अब स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करके पढ़ते हैं आगे इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। यहाँ पर दो और जगह पर इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्टिविटी लिखा है, और लास्ट सेंटेंस में भी लिखा है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बाय ओनली
15%। अभी तक हमने देखा है कि इस पैराग्राफ में प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की बात हुई है, यानी कि प्रोडक्टिविटी के चेंज होने की बात हुई है। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये जो सी ऑप्शन है, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, ये फिगर वन यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लगेगा। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी पहले देख लेंगे। ऑप्शन ए है एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट। अब फिगर वन में यहाँ से हम देखें तो कहीं पर भी एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो फिगर वन है ये अंडर आ रही है इस हेडिंग की, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। तो ये फिगर वन चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी के अंडर है, और जो हमारी फिगर टू है वो चेंजेस इन एटीट्यूड्स के अंडर है। लेकिन फिर भी हम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। और ऑप्शन ए हमारी थी एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन द कंपनी, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई है। अब नीचे स्क्रॉल करके देखें रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, टू ब्रिंग अबाउट दिस इम्प्रूवमेंट द क्लार्क्स देमसेल्व्स पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन टू रिड्यूस द साइज ऑफ द वर्क ग्रुप। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो क्लार्क्स थे उन्होंने वर्क ग्रुप का साइज जो है उसको कम करने का डिसाइड किया। उसके बाद लिखा है कि उनको पता था कि जो मैनेजमेंट थी वो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज चाहती थी, इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके वो यही देखना चाहती थी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या नहीं होती है। उसके बाद भी लिखा है कि जो वर्क ग्रुप का साइज है उसको रिड्यूस करने का डिसीजन लेना इजी डिसीजन नहीं था क्लार्क्स के लिए, येट द क्लार्क्स मेड इट, फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन ये सारा कुछ पढ़कर ये सामने नहीं आता है कि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट उनकी कंपनी में, तो जो ए ऑप्शन है इसका आंसर नहीं हो सकती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ी। अब पढ़ते हैं हम फिगर वन को दोबारा। ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है यहाँ पर लिखा है द चेंजेस इन सैलरी कॉस्ट्स पर यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पर सैलरी कॉस्ट के चेंज होने की बात हुई है, लेकिन ऑप्शन में लिखा है कॉस्ट इंक्रीजेस। अब जो कॉस्ट है वो बढ़ी है या कम हुई है वो हमें इस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस से पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम अपने आप से नहीं सोच सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए बढ़ी। हमें इतना ही पता है कि चेंज हुआ है कॉस्ट में, चेंजेस इन सैलरी कॉस्ट, वो इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है वो हमें नहीं पता है। तो जो बी है वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी एम्प्लॉयज फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पर एम्प्लॉयज की फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है जो उनके काम के प्रति हैं। तो दोबारा से चलते हैं फिगर वन की तरफ। अब यहाँ से फिगर वन जहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, यहाँ पर कहीं भी फीलिंग्स की बात नहीं हुई है, किसी की भी फीलिंग्स की बात नहीं हुई है, ना एम्प्लॉयर्स की ना एम्प्लॉयज़ की। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो क्लार्क्स ने डिसीजन लिया था वर्क ग्रुप के साइज को रिड्यूस करने का, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयज की फीलिंग्स की बात नहीं हुई है। यहाँ पर हम ये तो सोच सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स कि वर्क ग्रुप का साइज कम करना है या नहीं करना है, लेकिन उनके वर्क के प्रति जो यहाँ पर लिखा है कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसके प्रति किसी भी तरह की फीलिंग्स की बात नहीं हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन ई चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी व्हेन सुपरवाइजर वाज एब्सेंट। अब फिगर वन में जो है
चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की बात तो हुई है, ये हर जगह पर हुई है, हमने हर जगह पर पढ़ा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, जो येलो में हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सुपरवाइजर के एब्सेंट या प्रेजेंट होने की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। तो इस वजह से जो हमारा ई है वो इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उस पैराग्राफ में आधी बात हुई है चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की, सुपरवाइजर के प्रेजेंट या एब्सेंट होने की वहां पर कोई बात नहीं हुई है। ऑप्शन एफ, इम्प्लॉयज ओपिनियन एज टू एक्सटेंट ऑफ पर्सनल सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। इम्प्लॉयज को अपनी मैनेजमेंट की तरफ से कितनी पर्सनल सपोर्ट मिल रही है इसके प्रति इम्प्लॉयज का ओपिनियन। फिगर टू में मैनेजमेंट ने इम्प्लॉयज को कितना सपोर्ट किया या इम्प्लॉयज की अपने मैनेजमेंट के सपोर्ट के प्रति क्या ओपिनियंस थे, ऐसी तो कोई बात कहीं पर भी नहीं हुई है। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की बात हुई है। यहाँ पर ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ एरिया है, यहाँ पर लिखा था कि जो क्लार्क्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया डिसीजन में कि वर्क ग्रुप का साइज कम किया जाए, और उनको ये भी पता था कि मैनेजमेंट चाहती क्या है इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के थ्रू। उनको पता था कि मैनेजमेंट चाहती है इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, लेकिन यहाँ पर भी कहीं भी ओपिनियन क्या थे इम्प्लॉयज के अपनी मैनेजमेंट की सपोर्ट के प्रति, कितनी पर्सनल सपोर्ट उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस तरह की फीलिंग या ओपिनियन की बात यहाँ पर कहीं भी नहीं हुई है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है एफ, ओपिनियन जो है एम्प्लॉयज के अपने मैनेजमेंट की पर्सनल सपोर्ट के प्रति, ये इसकी जो है आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन जी, एम्प्लॉयज फील क्लोजर टू देयर सुपरवाइजर्स। अगेन यहाँ पर फिर फिगर 1 में जो फीलिंग्स और ओपिनियंस की बात है वो कहीं पर भी नहीं हुई है। तो ये जो हमारी ऑप्शन है जी, कि एम्प्लॉयज अपने सुपीरियर्स को अपने क्लोज फील कर रहे थे, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन एच और ऑप्शन आई में भी फीलिंग्स और ओपिनियंस की बात ही हुई है, और अगेन फिगर 1 में कहीं पर भी फीलिंग्स और ओपिनियन की बात नहीं हुई है। तो जो एच और आई है ये भी 37th का आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये सारी स्क्रूटनी करने के बाद, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाने के बाद, कि ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा सी। तो 37th का आंसर जो है वो चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी ही होगा, क्योंकि फिगर 1 में एज द हेडिंग सेज चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, हर जगह पर प्रोडक्टिविटी में चेंज यानी कि इंक्रीज होने की ही बात हुई है। यहाँ पर कहीं भी ओपिनियन या फीलिंग्स की बात नहीं हुई है। इनफैक्ट जो ओपिनियन और फीलिंग्स की बात होगी वो हमारी यहाँ पर होगी चेंजेस इन एटीट्यूड के अंडर। तो 37th का आंसर तो हमें अब श्योर शॉट पता चल गया है कि इसका आंसर ऑप्शन सी ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जिसके लिए हमें फिगर 2 को पढ़ना पड़ेगा। फिगर 2 यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है। इनफैक्ट फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 तीनों ही चेंजेस इन एटीट्यूड्स के अंडर आ रही हैं। तो जितने भी फीलिंग्स और ओपिनियंस वाली ऑप्शंस होंगी वो इन तीनों के अंडर आएंगी। फिगर 2 की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा है, व्हेन मोर जनरल सुपरविजन एंड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन वर प्रोवाइडेड, द एम्प्लॉयज फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द वर्क गॉट डन इंक्रीज्ड। जब डायरेक्ट सुपरविजन, जो स्ट्रिक्ट वाली सुपरविजन थी, उसकी जगह पर ज्यादा जनरल सुपरविजन प्रोवाइड की गई, और जब एम्प्लॉयज की जो पार्टिसिपेशन थी वो बढ़ाई गई, तो क्या पाया गया कि जो एम्प्लॉयज की फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम का पूरा होना हुआ है या नहीं, काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये जो उनकी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये बढ़ी। और अगेन जब सुपरवाइजर एब्सेंट होता था तब भी वो काम करते रहते थे। तो यहाँ तक उन्होंने बताया है कि उनकी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्क डन बढ़ी है,
लेकिन उसके बाद लिखा है कि हायरार्किकली कंट्रोल प्रोग्राम में ये जो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये डिक्रीज हुई, और जब सुपरवाइजर एब्सेंट होता था तो वो वर्क करना बंद कर देते थे। मतलब ओवरऑल इस पैरे में बात हुई है एम्प्लॉयज की फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ देयर वर्क। अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर वो बढ़ी है कि कम हुई है, लेकिन ओवरऑल इस पैरे में एम्प्लॉयज़ की फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ देयर वर्क, तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा ये डी बनेगा। एम्प्लॉयज फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्प्लीशन ऑफ वर्क। अब ये भी देख लीजिए कि ई जो है वो इसका आंसर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस फिगर में चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हुई है। चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की बात हुई थी फिगर वन में, वो फिगर टू में नहीं हुई है। फिगर टू में सुपरवाइजर के एब्सेंट होने की बात तो हुई है, लेकिन चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हुई है, इसलिए ई जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज फिगर थ्री की तरफ। फिगर थ्री में लिखा है द एम्प्लॉयज इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द ईयर फेल्ट दैट देयर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर वर क्लोजर टू दैम दैन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कि जो एम्प्लॉयज थे पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम ने, उन्होंने साल के अंत में ये पाया कि जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर थे वो उनके पहले से ज़्यादा क्लोज हो गए हैं जितना कि वो साल के शुरू में थे। यानी कि एम्प्लॉयज़ ने ये पाया कि जो उनके मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर हैं वो उनके और करीब हो गए हैं पहले से। तो यहाँ से हम श्योर शॉट तरीके पर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है ये जी ही हो सकता है, एम्प्लॉयज़ फील क्लोजर टू देयर सुपरवाइजर। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि इसका आंसर आई क्यों नहीं हो सकता है, सुपरवाइजर्स ओपिनियन एज टू क्लोजनेस ऑफ वर्क ग्रुप। यहाँ पर बात हुई है सुपरवाइजर के ओपिनियन की किस चीज़ के प्रति कि वर्क ग्रुप में कितनी क्लोजनेस है, लेकिन फिगर थ्री में क्या लिखा है एम्प्लॉयज इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द ईयर फेल्ट। यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयज ने क्या फील किया, तो यहाँ पर बात हुई है एम्प्लॉयज की ओपिनियन की, लेकिन जो आई ऑप्शन है वो बात कर रही है सुपरवाइजर्स के ओपिनियन की, इसलिए जो आई है ये हमारा 39th का आंसर नहीं हो सकता है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 40th यानी कि फिगर 4। फिगर 4 में पढ़ते हैं एम्प्लॉयज इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम फेल्ट दैट देयर सुपरवाइजर्स वर मोर लाइकली टू पुल फॉर देम और फॉर द कंपनी एंड देम एंड नॉट बी सोली इंटरेस्टेड इन द कंपनी वाइल इन द हायरार्किकली कंट्रोल प्रोग्राम द ऑपोजिट ट्रेंड अकर्ड। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज जो पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम में थे उन्होंने फील किया कि उनके सुपरवाइजर्स अब उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, उनको ज़्यादा इनकरेज या सपोर्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अब वो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा सोचते थे ना कि सिर्फ कंपनी के लिए। यानी कि एम्प्लॉयज़ का ये ओपिनियन बना कि सुपरवाइजर्स अब उनको और कंपनी को ज़्यादा इनकरेज या सपोर्ट करते हैं सिर्फ कंपनी को सपोर्ट करने की बजाय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40th क्वेश्चन का आंसर बनेगा एफ, एम्प्लॉयज ओपिनियन एज टू एक्सटेंट ऑफ पर्सनल सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि एम्प्लॉयज का ओपिनियन क्या था मैनेजमेंट की तरफ से पर्सनल सपोर्ट मिलने के प्रति। अब जो जी ऑप्शन है ये भी कुछ ऐप से मिलती जुलती है, तो इसको भी देखिए, एम्प्लॉयज फील क्लोजर टू देयर सुपरवाइजर्स, कि एम्प्लॉयज ने अपने आप को सुपरवाइजर्स के क्लोजर फील किया, पहले से ज़्यादा क्लोज फील किया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एम्प्लॉयज ने फील किया कि मैनेजर्स जो हैं वो उनके लिए अब और एफर्ट्स करते हैं या उनको और एनकरेज या सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्लोज फील होने की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर जो है वो जी नहीं हो सकता, इसका आंसर एफ ही हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for watching the video. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon for our latest updates.